बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना की महिला इकाई और कॉलेज की महिला प्रकोष्ठ ने संयुक्त रूप से महिला बालिका सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन सेंट एंड्रयूज कॉलेज के सभागार में किया गया। कार्यशाला में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ करने एवं जागरूकता प्रदान करने के लिए जुलाई अभियान पूरे प्रदेश में कवच नाम से संचालित हो रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर एसडी शर्मा, डॉक्टर जेके पांडे, डॉक्टर सीमा शेखर, डॉक्टर वीपी सिंह, कैंट थाने के उप निरीक्षक आलोक कुमार सिंह, संजय कुशवाहा सहित अन्य पदाधिकारी व छात्राएं मौजूद रहे। कार्यशाला में चुप्पी तोड़ो कुछ तो बोलो कवच अभियान के अंतर्गत सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श, हिंसा, चुप्पी तोड़ो सुरक्षा के उपाय, बाल शोषण, स्वयं को सुरक्षित रखने के स्मार्ट तरीके आदि विषयों को भी छात्राओं ने को बताया गया। देखा कि यहाँ पे वुमेन्स डे बनाया गया है स्कूल में। सबसे अच्छी बात ये है आप अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस करेंगे ही करेंगे। आप ही बताओ कि अगर आपके साथ कहीं कुछ बुरा होता है या आप देखती है किसी के साथ कुछ बुरा, क्या आने वाली है आपके माइंड में कुछ बताने के लिए हमारे यहाँ आने का और पर्सनली मेरे यहाँ आने देके चले जाए। हम आपको बताएं कि आप पूरी तरह से अपने घर पे, बहुत सारे ऐसी बात घर पे ही क्राइम होता है, हमारे अभियान में आपके पास जो भी गलत बोला है उठाएंगे नहीं उठाएंगे कि हो क्या करेंगे, बिना सोचे आएगी और हो जाएगा अगर आप नहीं। ये इंफॉर्मेशन, ये जागरूकता आ जाइए कि आज हमने ये सुना और आज के बाद हम अपने पर्सपेक्टिव में ये चेंज करने वाले हैं। नहीं नहीं सर, यहाँ अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी होती तो कोई एक इंसान आता और आपको कुछ बता के चला जाता, लेकिन यहाँ सब खुद आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से लोग आए हुए हैं, मैं आई हूँ अपने डिपार्टमेंट से, अपने डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बताने आपको ये आश्वस्त करने के लिए कि आप आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो आज के बाद आप जोर से बोलेंगे, इसका रिस्पॉन्स जोर से करना है आपको। आज के बाद किसी लड़की के खिलाफ कोई भी गलत काम होगा उसके अगेंस्ट कहीं भी वायलेंस होगा, चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो, आपके सड़कों पर हो, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप के भाग आपके समक्ष है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बस आवाज उठाने की जरूरत है। जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक आपके खिलाफ ये ऐसे अत्याचार होते रहेंगे, और उन अत्याचारों को जिसको कहते नहीं कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा तो सहने वाला दोषी होता है, तो दोषी आप खुद होंगे। या फिर व्हाट्सएप यूज करें तो उसमें जो सिक्योरिटी सेटिंग आती है, जो कि आप अपने पर्सनल डेटा को अपने ग्रुप तक ही रखें, उसे सिक्योरिटी सेटिंग को आप जरूर ऑन करें। ये आपकी सावधानी के लिए बहुत ही जरूरी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हेल्पलाइन नंबर मैडम ने भी बताया, सर ने बताया, 100 है, 101 है, 108 है, 1090 है, 181 है और अन्य भी हेल्पलाइन नंबर है। इनमें से अगर कोई भी हेल्पलाइन नंबर अगर आपको नहीं दिया है तो आप नेट के माध्यम से उसको सर्च कर सकते हैं और इन सब नंबरों के बारे में जरूर जानकारी रखनी चाहिए। और कोई अगर आपको कोई भी दिक्कतें हो, परेशानियाँ हो, जैसा कि मैडम ने कहा कि आप हिचकिचाए नहीं, पुलिस के पास आने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर किसी के पास अगर आप जाते हैं हेल्प के लिए तो उसका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो व्यक्ति असल में वही है या कोई और है। अगर मैं आपके पास जाऊँ और आपसे आपके पर्सनल डेटा के बारे में पूछूँ तो आप लोग क्या करेंगे? कोई भी एक पर्सन खड़ा हो जाए इसमें से कोई भी सुने और बताए तो सर क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है, पहले हमें वेरिफिकेशन करना चाहिए कि हाँ जो हमारे सामने व्यक्ति खड़ा है तो हमारे पर्सनल डेटा के बारे में जानना चाहता है वो असल में है कौन। अगर हम पुलिस वाले हैं तो हमारे पास एक आई कार्ड होता है, हम आपको शो करेंगे। अगर वो कोई गार्ड करने वाला व्यक्ति है तो फिर आपसे गोल गोल बातें करेगा, फिर उस स्थान से भाग जाएगा। तो क्या होगा, आपके पर्सनल डेटा को लेगा और उसका दुरुपयोग करेगा, इसलिए सावधानियाँ बहुत ही जरूरी है। कमिटी एक्शन टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जिसमें कंपनी को एक्शन लेना है, बच्चों के जो के प्रति जो हिंसाएं हो रही हैं उसको समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए। और इस अभियान को हम लोग हमें कह सकते हैं कि चुप्पी तोड़ो अभियान नहीं है, इस अभियान का कवच अभियान कहिए, जुलाई अभियान कहिए या चुप्पी तोड़ो अभियान कहिए। चुप्पी तोड़ो अब तो आगे बोलिए।
हाँ चुप्पी तोड़ो अब तो बोलो, तो ये चुप्पी तोड़ने के हम लोग आए हुए हैं। बातें सभी हो गई हैं, मेरे ख्याल से मैं वहीं से बातों को रिपीट भी करूँगा और एक अब इस बारे क्रम से मैं बातों को रखूँगा। मैं ए टू जेड आप लोगों को पढ़ाऊँगा आज। ए टू जेड ए से एप्पल नहीं, तो बचपन में आपको पढ़ाए बचपन में ए से एप्पल नहीं जानना जरूरी था, और बी से बैट जाना जरूरी था, सी से कैट जाना जरूरी था, लेकिन इस स्टेज में भी अभी भी ए टू जेड जाने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा स्वरूप चेंज इसका हो गया है, ए टू जेड का स्वरूप चेंज हो गया है। जो बातें इसमें हैं उसी को मैंने एक वर्णमाला में रखी है, हो सकता है एक आध दो बातें रह गई हों, सभी बातें आ गई हैं, मैं जो बातें रिपीट करूंगा मेरे ख्याल से आपको सहमत होंगे, सभी बातें मैं बता रहा हूँ, हो सकता है एक आध दो बातें जो रह गई वो भी पूरा हो जाएगा, तो कॉम्प्रिहेंसिव और ये पूरा समुचित मेरा ये आज जो मैं अपने प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। तो इसे अपने के बजाय जो बचपन की बातें थी, अब इसमें इस स्टेज पर हम लोग को इसे अलर्ट रहना जरूरी है कि कभी आपको बाहर चाहिए अलर्ट रहिए, बाहर मतलब ये बाहरी माहौल बाहरी दुनिया में अलर्ट क्यों रहना है। कहावत है मैंने कहा सावधानी हटी निश्चित तौर पर दुर्घटना घटती है, इसको ऐसे भी समझने के प्रयास कीजिए। डेली आप लोग अपने घर से कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से घर जाते हैं, रास्ता आपका भली भांति जाना पहचाना हुआ, लेकिन क्या है आप हाथ बंद करके आप अपने घर से यहाँ पहुँच पाएंगे, फिर आप जो जिसका घर बहुत नज़दीक हो वो भी अपना आँख बंद करके नहीं पहुँच पाएगा। आप ये साइकिल चला करके आँख बंद आँखों से या मोटरसाइकिल चार पहिया जो भी हो, अगर आप आँख बंद बंद कीजिए, आप साइकिल चला करके या पैदल जा रहे हैं लेकिन आपका निगाह कहीं और है, चल रहे हैं सामने निगाह कहीं और है, तो